Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will be covering the basic concepts of mattresses. This is the lecture 2 for the chapter mattresses. In the lecture 1 we have covered the introduction part. In the introduction part, in case if you have any query or any issue related to the topics that we have covered in the lecture 1, you can write down in the comments section so our team can look upon it. And in this lecture 2, we will be covering the basic concepts, some terminologies jo hamari is mattresses chapter mein use hoti hai, that we will be covering in this video. So let's begin with the terminologies part. So first terminology jo hum mattresses chapter mein cover karenge, that is the elements. So the first terminology that we will be covering is the elements. आई होप यू रिमेम्बर कि हमने फर्स्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल लिया था व्हेन वी वर रिप्रेजेंटिंग कि मैट्रेसेस हमारा कितना इम्पोर्टेंट है. तो उसमें हमने एक जर्नल एग्जाम्पल लिया था उसको समझाने के लिए, दैट इन केस इफ वी हैव सर्टेन स्टूडेंट्स एक क्लास में, उसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन से स्टूडेंट के पास कितने नंबर ऑफ पेन्स और कितने नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं. तो इस टर्मिनोलॉजी एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम वही एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं, सो दैट आपको एलिमेंट्स समझ आए कि एलिमेंट्स का क्या यूज है और एलिमेंट्स मैट्रिसेस में होते क्या है. ओके, सो लेट्स कंसिडर वही वाला सेम एग्जाम्पल दैट वी हैव कवर्ड इन आर लास्ट वीडियो. लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3. ओके, लेट्स मेक अ मैट्रिक्स और लेट्स कंसिडर कि हमारा जो स्टूडेंट 1 है फॉर एग्जाम्पल, उसके पास नंबर ऑफ पेन्स 5 है और नंबर ऑफ पेंसिल्स 7 है. सिमिलरली लेट्स अज्यूम कि स्टूडेंट 2 के पास 2 पेन्स है और 8 पेंसिल्स है, और स्टूडेंट 3 के पास फॉर एग्जाम्पल 4 पेन्स है और 10 पेंसिल्स है. तो हमारा जो कॉलम 1 है जो मैंने आपको बताया था वो है नंबर ऑफ पेन्स, कितने हैं स्टूडेंट के पास, और सिमिलरली कॉलम 2 जो हुआ वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पेंसिल्स को. ओके, सो बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स में, मैंने जब आपको बताया था कि मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिसेस में हम बेसिकली इंस्ट्रक्शंस जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो नहीं बताते, हम मैट्रिक्स में सिर्फ डेटा देते हैं. सो ये जो हमारा डेटा है मैट्रिक्स के अंदर, उसको बेसिकली हम बोलते हैं एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स. ओके, आई होप आपको ये समझ आए कि जो डेटा मैट्रिक्स के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स. ठीक है, सेकेंड टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं मैट्रिसेस में वो है रोज एंड कॉलम्स. रोज एंड कॉलम्स मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में जब हम कवर कर रहे थे इंट्रोडक्शन वीडियो में कि रोज एंड कॉलम्स होते क्या है. सो इसी मैट्रिक्स में जो ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बेसिकली जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है कॉलम को, और सिमिलरली जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी रिप्रेजेंट करती है रो को. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ पेन्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलम 1 को, और सिमिलरली नंबर ऑफ पेंसिल जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कॉलम 2 को, और जो स्टूडेंट 1 की स्टूडेंट 1 के पास कितने नंबर ऑफ पेन्स और कितने नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही है एक रो को. तो ये हुआ रो 1, रो 2 और रो 3. ठीक है, तो बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी वो रिप्रेजेंट करती है रोज को, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है कॉलम्स को. ओके, तो अगर हम इसी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लें तो आप बता सकते हो कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी है, 3. ओके, नंबर ऑफ रोज है 3. सिमिलरली नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स हुए हमारे पास 2. ओके, जो नंबर ऑफ रोज थी जो रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 का डाटा, और नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के पास कितने नंबर ऑफ पेन्स और कितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं. ओके,
एंड नाउ द थर्ड टर्मिनोलॉजी जो हम इसमें चैप्टर में कवर करेंगे वो होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ आ जाएगा जब मैं आपको थोड़े जर्नल एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी. तो बेसिक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो जर्नली हमने जो एग्जाम्पल लिया था फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस मैट्रिक्स, हमारे पास ये मैट्रिक्स का डेटा गिवन है, तो अब हमें बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है. तो अगर आप ऊपर का एग्जाम्पल देखो या डेफिनेशन देखो जो मैंने आपको ऑर्डर की मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होते हैं वो जर्नली रिप्रेजेंट होता है एज नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हो हमने ऊपर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल दिए थे. तो इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हुए 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए 2. तो हमारा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x2. मैंने जब आपको बता रही हूँ, मैंने जब आपको डेफिनेशन बताई कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. जब मैं आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल रहे हैं हम इसका, जैसे हमने बताया कि इस ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x2, इसका ये मतलब नहीं है कि हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और लिख देंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 6 है. नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम कभी भी. मैट्रिक्स की जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम डेफिनेशन बताते हैं तो हम कभी भी जर्नल वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, या हम ये यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, या हम यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स. तो ये जर्नली रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, हम उसको एक्चुअली में मल्टीप्लाई नहीं करते. ठीक है, अब हम एक और मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 1, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 6, 0, 8. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मैट्रिक्स है. तो अब हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है. तो आप नंबर ऑफ रोज गिनो, ये एक रो और ये 2 रो. तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई हमारे पास 2. अब नीचे 2 के बाद क्रॉस. अब नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हुए 5. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 2x5. ओके ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यूज करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाहती हूँ कि मैट्रिक्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो मैट्रिक्स के लिए हमें उनकी एक जर्नल टर्म या जर्नल यूज करना पड़ता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि इस मैट्रिक्स का नेम क्या है. हम हमेशा मैट्रिक्स को ऐसे नहीं लिख सकते, हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब हम और एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसका ये हमेशा ये नहीं होगा कि हमें क्वेश्चन में एक ही मैट्रिक्स गिवन होगा, हमें एक से ज्यादा मैट्रिसेस भी गिवन हो सकते हैं, हमें कुछ मैट्रिसेस के ऑर्डर निकालने होंगे. तो उसका मतलब ये नहीं कि हर मैट्रिक्स को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, हर एक मैट्रिक्स का एक यूनिक इन द सेंस उस क्वेश्चन के लिए एक नेम होगा जर्नली रिप्रेजेंटेशन के लिए. तो एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ जो इम्पोर्टेंट है कि मैट्रिसेस का जब हम नेम देते हैं तो हमेशा हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, कैपिटल अल्फाबेटिक लेटर्स का यूज करते हैं. तो कैपिटल लेटर्स जो होते हैं आर यूज टू बेसिकली रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स. तो जैसे कि मैंने ये मैट्रिक्स एक्सप्लेन किया, तो फॉर एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स का नाम है ए, मैट्रिक्स ए. तो ये जो सेकेंड एग्जाम्पल के लिए हमने ऑर्डर निकाला, अज्यूम इसका मैट्रिक्स का नेम है बी, तो हमेशा हम कैपिटल लेटर्स का ही यूज करते हैं. वी कांट राइट कि ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, नो वी कांट राइट लाइक दिस, वो गलत हो जाएगा. तो हमेशा मैट्रिसेस जो होते हैं हमारे वो रिप्रेजेंट होते हैं यूजिंग द कैपिटल लेटर्स. ओके ग्रेट, सो अभी हमने 3 टर्मिनोलॉजीज कवर करी इसमें. फर्स्ट इज एलिमेंट्स, सेकेंड रोज एंड कॉलम्स, एंड द थर्ड वन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द 4 टर्मिनोलॉजी जो हमारी यूज होती है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. तो एलिमेंट्स मैंने आपको बताया जर्नली जो नंबर्स हमारे मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट होते हैं वो हमारे होते हैं एलिमेंट्स, जैसे कि 5, 2, 1, 3, 4, 6. अज्यूम ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है.
तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए. जर्नली स्टूडेंट्स को जब क्वेश्चन आता है कि पूछते हैं क्वेश्चन में कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए मैट्रिक्स में, तो जर्नली लोग क्या सोचते हैं कि हमें पता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट होते हैं. तो जर्नली क्विकली लोग काउंट करने स्टार्ट कर देते हैं कि स्टूडेंट्स की कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, स्टार्ट टू काउंट देम लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए, 6. तो स्टूडेंट्स ये लिखेंगे. बट इन द केसेस जब आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे रोज हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो उस केस में आप उसको काउंट नहीं करोगे. काउंट करोगे तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. तो एक शॉर्टर वे जो हमारा यूज होता है मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने का, वो होता है हमारा ऑर्डर्स के थ्रू ही. मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, और मैंने आपको बताया जब हमें किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन इन द केस ऑफ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, हम बेसिकली जो हमारे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज जो होता है और नंबर ऑफ कॉलम्स होता है उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. उससे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है सी, एक मैट्रिक्स सी गिवन है जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है 5, 1, 2, 3, 1, 2, 6, 0, 7, 8 like this. हमें जैसे ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है. अब हम सबसे पहले क्या कहेंगे, अब हमें क्वेश्चन है कि हमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं मैट्रिक्स सी के. तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नो वी वॉन्ट बी काउंटिंग देम. हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स निकालेंगे उस मैट्रिक्स का, और वो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर. और जब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना होगा तो हम सिंपली नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते हैं. ओके, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज काउंट करो 1, 2, 3, 4. ओके, 4 रोज, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 4 क्रॉस, और कितने कॉलम्स है, 1, 2, 3, 4. तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स 4. तो ये हमारा हुआ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो क्या आया हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, 4 क्रॉस 4, ये हुआ हमारा ऑर्डर. अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो मैंने आपको बताया शॉर्टर वे क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने का, हमें नंबर ऑफ रोज पता हो, नंबर ऑफ कॉलम्स पता हो, उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली. तो हमें नंबर ऑफ रोज पता चल गए 4 है, नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल गए 4 है, तो सिंपली हमें पता चल गया कि इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स सी क्या हुआ, 4 क्रॉस 4, 4 into 4 क्या हुआ, 16. तो ये हुए हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स सी के. जस्ट अभी हमारा मैट्रिक्स थोड़ा छोटा है, तो एक आपको क्रॉस चेक करने के लिए हम जल्दी से क्विकली काउंट कर लेते हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिमिलरली 12 एंड 16. तो आप कैलकुलेट करोगे तो सिमिलरली आपको 16 एलिमेंट्स मिलेंगे. तो शॉर्टर वे इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के पता चल जाएंगे. ओके, ग्रेट. अब हमारे पास लास्ट टर्मिनोलॉजी जो मैट्रिक्स में यूज हो रही है वो है एलिमेंट्स. जो हमने इतना एलिमेंट्स के बारे में बात करी, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट किए मैट्रिक्स के, तो हम एलिमेंट्स को जर्नली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वो हम इसमें यूज करेंगे. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, जर्नल फॉर्म. जैसे कि वी नो हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर गिवन है, तो अब हमें उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है. तो इट इज नॉट ऑलवेज कंपल्सरी और इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स या डाटा मैट्रिक्स का गिवन होगा. इन सर्टेन सिनेरियोज आपको एलिमेंट्स नहीं गिवन होंगे. तो अगर आपको एलिमेंट्स नहीं गिवन है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट और मस्ट हो जाता है. या कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं गिवन होते, आपको जर्नल फॉर्म जो हम डिस्कस करेंगे उसके फॉर्म में गिवन होंगे, तो आपको उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाना ही पड़ेगा. तो उन केसेस में हमें जर्नल फॉर्म एलिमेंट्स की पता होनी चाहिए. ओके, सो लेट अस अज्यूम ए एग्जांपल कि हमें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3. क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है. ठीक है, तो हम उस केस में एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. एलिमेंट्स जो होते हैं हमेशा हमारे रिप्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ए. ओके, स्मॉल ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं. तो
एलिमेंट्स हम जब रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए के फॉर्म में, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट कौन से पॉइंट में मैट्रिक्स में गिवन होना चाहिए? तो हमारा एलिमेंट जब हम एग्जाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे स्मॉल लेटर ए में, उसके हमारे सबस्क्रिप्ट में गिवन होता है आई एंड जे, ऐसे रिप्रेजेंट होता है हमारा एलिमेंट एक मैट्रिक्स में, जहां पे ए जो होती है वो आई जो होता है वो डिनोट करता है रो नंबर को, क्या डिनोट करता है रो नंबर को, और जे जो है सिमिलरली क्या डिनोट करेगा कॉलम नंबर को। ओके ग्रेट, सो मैंने आपको बताया, हमने एग्जांपल लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है 2x3, तो लेट्स रिप्रेजेंट इट। एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स लिया हमने 2x3 का, इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास दो रोज होंगी row 1 and row 2, सिमिलरली column 1 column 2 column 3। अब आपको पता है कि हमारा रिप्रेजेंट होता है एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सबस्क्रिप्ट आई जे, तो हमारा फर्स्ट जब हम ए लिख रहे हैं तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट कैसा रिप्रेजेंट होगा ए, और आई क्या है रो नंबर, और इसमें हमारा रो नंबर क्या है 1, तो ए 1, और कॉलम क्या है हमारा 1, तो ए 1 1। तो बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट जो अब हमारा रिप्रेजेंट होगा वो होगा ए 1 1। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट ए, रो तो सेम है 1, कॉलम क्या है 2, तो ए 1 2, रो क्या है 1, कॉलम क्या है 3, ए 1 3। अब रो 2 देखते हैं, इसमें हमारा एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट होगा रो 2 कॉलम 1 में, ए रो नंबर 2 कॉलम 1, ए 2 2 ए 2 3। ठीक है, तो आप ये समझे अब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को एक जर्नल फॉर्म में। एक्चुअली में हमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, तो उसमें हमें क्या होता है, जैसे हमें फॉर एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन आया कि हमारे पास गिवन है एक मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर है 2x2, और उसमें हमें एलिमेंट्स गिवन है, जैसे हमें गिवन है क्वेश्चन में गिवन होगा ए 1 1 जो है वो इक्वल टू 2 है, ए 1 2 है हमारा इक्वल टू 3, ए 2 1 है इक्वल टू -1, और ए 2 2 गिवन है हमें 0। अब हमें मैट्रिक्स बनाना है इसका, तो हम मैट्रिक्स बना सकते हैं सिमिलरली कि बी एक मैट्रिक्स है, उसे हमें रिप्रेजेंट करना है 2x2 का ऑर्डर है, और ए 1 1 मतलब रो 1 कॉलम 1 में क्या एलिमेंट है हमारा 2, रो 1 कॉलम 2 में क्या एलिमेंट है 3, रो 2 कॉलम 1 में एलिमेंट क्या है -1, और रो 2 कॉलम 2 में क्या है 0। ऐसे रिप्रेजेंट हो गया हमारा मैट्रिक्स। ओके, तो अब आपको आई होप जर्नल फॉर्म क्लियर है। सो बेसिकली यही टर्मिनोलॉजीज हमारी मैट्रिसेस में यूज है जो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट करने में कवर होगी। बेसिकली आगे जब हम और एक्सरसाइजेस कवर करेंगे तो कुछ और टर्मिनोलॉजीज और कुछ टर्म्स और कंसेप्ट का यूज होगा हमारा मैट्रिसेस में, वो हम साइड बाय साइड कवर करते जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो। इन केस आपको कुछ क्लियर नहीं है और कुछ डाउट है जो भी टर्मिनोलॉजीज हमने इस वीडियो में कवर करी, तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और हम उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिफाई करके क्लियर करेंगे या आपको कमेंट पर रिप्लाई कर देंगे। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, बाकी हम आगे कवर करेंगे। आई होप आपको सब क्लियर हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर न्यू वीडियोज। Thank you. Stay safe.